नमस्कार, मैं स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं बिहार मौसम समाचार के बारे में। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 19 ऐसे जिले हैं जिसमें एक दो स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मॉनसून की बारिश के लिए पटना सहित 19 जिलों में लोग तरस रहे, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। इस कारण से पटना के साथ लगभग 19 ऐसे जिले हैं जहाँ लोग गर्मी से बेहाल है। पटना सहित अन्य 19 जिलों में गर्मी और उमस के कारण कभी कभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मॉनसून का इन इलाकों में अधिक असर नहीं दिख रहा। आने वाले 48 घंटे में भी दक्षिण बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून का ट्रफ लाइन फिरोजपुर, नरमौल, औराई, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र भी झारखंड और उसके आसपास फैला हुआ है। बिहार से मॉनसून की ट्रफ रेखा का संपर्क में नहीं आना गर्मी और बारिश नहीं होने का बड़ा कारण है। हालांकि चक्रवाती परिसंचरण और गर्मी से बन रहे भाप के कारण उत्तर बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में कुछ एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। बारिश नहीं होने के कारण पटना सहित 19 जिलों में गर्मी बढ़ रही है। रात में उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में भी ऐसा पूर्वानुमान नहीं बन रहा है जिससे गर्मी में कोई राहत मिल सके। दोस्तों, बिहार के मौसम समाचार में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज भी हर एक सुबह मिलती रहे।